हेलो प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और जैसे ही आपको पता है कि मैं आपके लिए इस वीडियो लेक्चर में लेकर आया हूँ फ्रीडमैन का केंद्र परिधि मॉडल, यानी कि फ्रीडमैन्स कोर पेरिफ्री मॉडल, जो आपका रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के अंदर एमए या एमएससी ज्योग्राफी के अंदर जो आपका महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सिद्धांत आपका एग्ज़ाम के अंदर पक्का आता है, ठीक है, लिखने में, तो आप उसके लिए देख लीजिएगा। और वैसे नेट के एग्ज़ाम के अंदर भी ये पूछा जा सकता है, इससे छोटे क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं, कब ये सिद्धांत दिया, किसने दिया और क्या इस सिद्धांत का उद्देश्य था, इस सिद्धांत से क्या चीज़ हम समझते हैं। जो भी सिद्धांत होते हैं उनका कोई ना कोई मीनिंग निकल के आता है, उनका कोई ना कोई मतलब उसके पीछे की एक समझ होती है, जो जिसे समझना ज़रूरी है। वैसे तो सिद्धांत को रट्टा मार दिया, लेकिन रट्टा मारने से सिद्धांत के भाव को समझना ज़रूरी है, तो हम यहाँ उसी की कोशिश करेंगे। इस सिद्धांत को बड़े ही आसान शब्दों में आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, तो शुरुआत करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और कोई टेंशन न लेने की जरूरत नहीं है, ठंडे माइंड से हम पढ़ेंगे। दबा के लाइक शेयर ठोक दीजिएगा, जय महाकाल, गर्दा उड़ाओगे। चलिएगा, तो आपका पहला कह रखा है कि अमेरिकी अर्थशास्त्री जॉन फ्रीडमैन ने 1966 में अपना केंद्र परिधि मॉडल प्रस्तुत किया था। कब किया था? ये अमेरिकी अर्थशास्त्री थे, याद रखना, ठीक है, अमेरिका के एक अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट। और इन्होंने कब किया था? 1966 में इसको प्रस्तुत किया था, मानवीय प्रस्तुत किया था। यह मानवीय क्रिया के क्षेत्रीय संगठन का मॉडल है, यानी कि जो ह्यूमन एक्टिविटी करता है वो क्षेत्रीय संगठन, यानी कि ह्यूमन की एक्टिविटी कहाँ कहाँ होती है, कौन कौन से एरिया में होती है, ठीक है। मनुष्य बहुत सारी एक्टिविटी करता है, वो कृषि करता है, ठीक है, व्यापार करता है, ठीक है, और आपकी इंडस्ट्री लगाता है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ होती हैं इससे रिलेटेड है, कहाँ कम होती है, कहाँ पर ये ज़्यादा होती हैं, ठीक है, कहीं पर इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा है, ठीक है, कहीं पर आप देखेंगे शहर के बीच के अंदर, शहर का बीच होगा जहाँ मेन बाज़ार होगा, वहाँ आपको बहुत सारी दुकानें मिलेंगी। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे, शहर के बाहर की तरफ जाएंगे, तो दुकानें कम होती जाएगी। तो इसका मतलब है कि शहर के भीतर, इनकी सेंटर में क्या है जो मतलब ज़्यादा है, चाहे दुकान की बात करें या भीड़ की बात करें या साधनों की बात करें, ठीक है, मतलब चहल पहल ज़्यादा होती है शहर के बीच में, ये तो आपने आम देखा ही होगा, ठीक है। तो उसी पर ये बात करते हैं कि जो चहल पहल है ना वो शहर के बीच में ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम शहर की तरफ बाहर की तरफ जाएंगे तो कम होगी, ठीक है। आप देखोगे कि लोग भी बहुत सारे दुकान मतलब इतने बाहर की तरफ दुकानें ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि शहर के बीच में ही आते हैं सभी लोग। बस स्टैंड हो, अब आपको लगभग शहर के बीच में मिलेगा, रेलवे स्टेशन हो शहर के बीच में मिलेगा, लेकिन अब जो नए बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं वो शहर से बाहर की तरफ बनाए जा रहे हैं, ताकि शहर के अंदर भीड़ भड़ाका ज़्यादा न हो, ज़्यादा ट्रैफिक न हो, या 4 लाइन जो यानी कि जो शहर के बाहर की तरफ जो बाईपास बनाए हुए, सड़कें बनाई हुई है, वो इसी उद्देश्य से बनाई हुई है। जैसे कि ट्रक वाले हैं, तो ट्रक वालों को अगर कोई शहर आता है, मान लीजिए रोहतक शहर ही है आपका, रोहतक है, दिल्ली है, तो उसके बाईपास से निकल जाएंगे आप, तो आपको रोहतक या शहर के बीच से जाम नहीं लगेगा ज़्यादा, नहीं तो पहले जाम लग जाता था, ठीक है, ज़्यादा ट्रैफिक तो होता था शहर के बीच में। तो अब क्या कर दिया गया है, जो मतलब शहर के बाहर की तरफ यानी बाईपास बना दिए, वहाँ से आप निकलते हैं तो शहर के अंदर ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं होता, ठीक है। तो इसी प्रकार ये बताते हैं कि जो शहर के सेंटर के बीच में है वो ह्यूमन एक्टिविटी ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे बाहर की तरफ जाते हैं वो ह्यूमन एक्टिविटी कम होती जाती है, ठीक है। यह पारदर्शी विकास के लिए मार्ग और विधि प्रदान करता है। इस मॉडल में परिधीय क्षेत्रों को संबंधित केंद्रीय क्षेत्र के ऊपर निर्भरता के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है। यानी कि देखिए, एक आपका वृत्त होता है, वृत्त का सेंटर पॉइंट होता है, जहाँ से जैसे प्रकार से आप वृत्त लगाते हैं, तो जहाँ प्रकार की नोक रखते हैं वो सेंटर पॉइंट होता है, और बाहर होते परिधि, सरकमफ्रेंस जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही शहर का होता है, मतलब शहर जैसे गोल तो नहीं होता, लेकिन इन्होंने माना है, ठीक है, जैसे कि इन्होंने शहर को क्या माना है, जैसे गोल बनना है, भी गोल होता है शहर, ठीक है, तो गोल नहीं होता शहर, तो वैसे किसी भी आकार का हो सकता है, वंका टेढ़ा, लेकिन बीच में सेंटर तो कहीं ना होता ही है, ठीक है। तो वही इसी रिलेटेड है इनका सिद्धांत। आगे देखते हैं, फ्रीडमैन का मानना था कि, क्या मानते हैं,
फ्रीडमैन का मानना था कि आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्रौद्योगिकी प्रगति और उच्च उत्पादकता का उच्च संकेंद्रण कोर में पाया जाता है। यही बात है, देखिएगा आर्थिक चाहे ह्यूमन यानी कि इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो, पैसे से लेन देन, आपने कभी शहर बाहर की तरफ बैंक देखा है? बैंक, हॉस्पिटल, ठीक है, रेलवे स्टेशन, मॉल, बाजार, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, मंडी वगैरह शहर के बीच में मिलेगी मतलब, ठीक है। और सामाजिक शक्ति प्रौद्योगिकी प्रगति यानी कि जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है, मान लीजिए जो, ठीक है, कंप्यूटर वगैरह यानी कि आप देखें कंप्यूटर खरीद के लेना है आपको, ठीक है, या कोई और इलेक्ट्रिकल सामान खरीद के लेना है, तो उसकी दुकान आपको कहाँ मिलेगी? सेंटर के बीच में मिलेगी। उच्च उत्पादकता का उच्च संकेंद्र होता है यानी कि ज़्यादा उत्पादकता सेंटर के अंदर होती है, ये इनके सिद्धांत का मानना है। और जैसे जैसे आप नगरीय केंद्र के रूप में स्थित होता है, जबकि परिधि यानी कि बाहर की तरफ जाएंगे तो वो ग्रामीण क्षेत्र के रूप में पाया जाता है। और एक ये भी आप देखते हैं कि जो शहर के बीच में लोग रहते हैं वो भैंस वगैरह नहीं रखते भाई, ठीक है, वो क्या थोड़े जो बाहर की तरफ होंगे वो भैंस वगैरह रखें, क्योंकि उनके पास थोड़ा खुला स्पेस होगा और मतलब पास में खेत भी होंगे, ठीक है, तो वो चारा वगैरह लेने से उनको आसानी होगी, घास काट के लेना है या पशुओं को मतलब थोड़ा घुमा के भी लेना है, चरा के लेना है, तो मतलब वो ग्रामीण एरिया में ज़्यादा होगा यानी कि बाहर की तरफ थोड़ा सा। आप देखते हैं कोई भी शहर हो, चाहे आप दुनिया भर के किसी छोटे मोटे शहर में घूम लीजिएगा, आपको बाहर का एरिया ना वो ग्रामीण एरिया से लेट मिलेगा, क्योंकि वहाँ इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता, जबकि सेंटर के बीच में ज़्यादा एक्टिविटी होती रहती है, ठीक है, तो ये चीज़ कहना चाहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ग्रामीण क्षेत्र के रूप में पाई जाती है। इस प्रकार केंद्रीय नगरीय केंद्र और परिधि उसके चतुर्दिक स्थिति ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि जो बाहर का शहर का जो एरिया होता है उसका प्रतिनिधित्व करती है। ये तस्वीर के थ्रू हम देखेंगे, देखिएगा इस मैप में आप देखिएगा, ये रोहतक शहर का मैप है जो आपका हरियाणा का रोहतक जिला है, तो रोहतक शहर का मैप है। तो इस मैप को आप देखिएगा, जो शहर का सेंटर पॉइंट है, देखिएगा सेंटर पॉइंट है यहाँ शहर का, ठीक है, तो यहाँ देखिएगा जितने भी जो एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा होती है शहर के बीच में। आप देखें चाहे मार्केट हो, ठीक है, ये देखिएगा आप जितने भी, अगर मैं जूम करता हूँ इस मैप को देखिएगा, तो ये देखिएगा जो सेंटर के बीच है, चाहे देख कितने भी मार्केट है, देख सिविल हॉस्पिटल है रोहतक का, सिविल हॉस्पिटल इसके अंदर दिखा रखा है, सलार मोहल्ला, ये देखिएगा, तो जो यानी कि बैंक वगैरह है, सिटी मैक्स सिनेमा वगैरह है, देखिएगा आपको जितना भी ये सॉरी मार्केट्स वगैरह हैं, तो ये शहर के सेंटर के बीच में है। ये मैं उनका एग्जांपल यानी कि उनके सिद्धांत को आसान शब्दों में आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हालांकि उन्होंने रोहतक का थोड़ी ना लिया था, मतलब उन्होंने तो वेनेजुएला का एक शहर लिया था, उसका नाम आगे आएगा, वेनेजुएला का शहर लिया था, लेकिन मैं आपको ये एग्जाम्पल, वो कोई भी शहर हो सकता है, दुनिया के हर शहर के लिए इनका यह सिद्धांत लागू होता है, ठीक है। तो ये देखिएगा, अब शहर के सेंटर के बीच में हमने देख लिया, और शहर के बाहर की तरफ देखिएगा आप, ये आपका रोहतक शहर है, ठीक है, तो इसके बाहर की तरफ देखिएगा, ये परिधि, ये सेंटर पॉइंट हो गया आपका, ठीक है, ये आपका सेंटर पॉइंट है यहाँ, ठीक है, और ये बाहर का एरिया आप देखिएगा, ये देखिएगा, तो ये जो परिधि है बाहर की, ये परिधि है, ठीक है, ये देखिएगा ये बाहर की परिधि है, यहाँ पर बार की क्या परिधि है, देखिएगा ये ऐसे ऐसे, तो कोई शहर गोल तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन ये परिधि देखिएगा, तो ये परिधि है और ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है, रोहतक का। तो इसके अंदर आप देखेंगे जो बार की परिधि है वो ग्रामीण एरिया है, यहाँ देखिएगा खेत है, ठीक है, तो यहाँ के लोग जो क्या हैं मतलब खेती से रिलेटेड हैं, मतलब उनके खेत होंगे यहाँ पर, ठीक है, तो जो ग्रामीण यहाँ, ये रूरल से रिलेटेड है, ये अर्बन एरिया, ठीक है, यानी कि यहाँ जो पशुपालन है, ठीक है, या सब्जियों का उत्पादन है वो यहाँ किया जाता है शहर के बाहर, ठीक है, आप किसी भी शहर से बाहर निकलोगे, हर रोहतक से भी, दिल्ली, किसी का एग्जांपल ले सकते हो आप, ठीक है, तो ये देखिएगा ये ग्रामीण एरिया से है। तो ये जो सेंटर के बीच के अंदर ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं किसके मुकाबले, परिधि के मुकाबले, ठीक है। और देखिएगा और भी इसको जूम करते हैं, तो शहर के बीच में देखिएगा, मैंने कहा था जितने गार्डन, पार्क है, रेलवे स्टेशन है, सिनेमा है, जो भी है, मतलब जो शहर के सेंटर के बीच में ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, चाहे ये देखिए आपका न्यायालय है, जिला न्यायालय है, रोहतक का जिला न्यायालय आप देख सकते हैं, किसान रेजिडेंसी, ये मतलब सारी चीज़ें क्या है इसके अंदर ही है, देखिएगा, ठीक है, जितने भी सिटी वॉक्स वाटर है, जो भी मतलब है, ठीक है, और जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आज देखिएगा जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है शहर की तरफ, थोड़ा बाहर की तरफ है, आज के टाइम में क्या किया जा रहा है कि अब थोड़ा यानी कि सेंटर के भी ऊपर बर्डन न हो और
इसलिए जो शहर इनकी जो कॉलेज यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री है शहर से थोड़ी बाहर लगाई जाने लगी है, ठीक है। तो इनके सिद्धांत के अकॉर्डिंग अब नहीं चला जाता, क्योंकि अगर सेंटर के ऊपर ही सारी एक्टिविटी होंगी तो क्या होगा कि शहर के सेंटर पॉइंट पर इनकी बर्डन ज़्यादा होगा, भीड़ भाड़ यहाँ ज़्यादा होगी। इससे बचने के लिए शहर की बाहर की तरफ धीरे धीरे जितने स्कूल कॉलेज हैं वो बाहर की तरफ खोले जा रहे हैं। लेकिन इनके सिद्धांत के अकॉर्डिंग शहर के सेंटर के बीच एक्टिविटी ज़्यादा होती है, बाहर की तरफ कम होती है। ये हम काफ़ी बेसिकली एग्जाम्पल से हमने देखा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। और एक और देखिएगा, देखिए बाईपास मैंने कहा था, जो बाईपास ये देख बना रखा है यहाँ, देखिए बाईपास ये बना रखा है रोहतक के बाहर की तरफ, जो बाईपास जाता है ये बना रखा है। ये क्यों बना रखा है? ताकि जो शहर के अंदर मतलब ट्रैफिक ज़्यादा ना हो, शहर के सेंटर के पॉइंट यानी कि शहर के बीच में ट्रैफिक ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो आपने ये देखा, आगे हम करते हैं, देखिएगा सिद्धांत को पढ़ते हैं। तो मैंने आपको मैप के थ्रू समझाया, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो काफ़ी हद तक, इनके सिद्धांत का जो क्या कहना चाह रहे हैं इस सिद्धांत में ये। तो आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ तक देख लिया था इस प्रकार केंद्र नगर का और परिधि के चतुर तक ये हमने देख लिया था। केंद्र पर उद्योगों, सरकार, सामाजिक संप्रजनों, वित्तीय शक्ति, विकसित शैक्षिक पद्धति आदि का संकेंद्रण पाया जाता है। इसके विपरीत परिधि की मुख्य विशेषता के अंतर्गत ग्रामीण भूदृश्य, कृषि, खनन, वन उद्योग आदि प्राथमिक क्रियाएं, क्षीण और आर्थिक शक्ति, अकुशल श्रम, निम्न मजदूरी आदि सम्मिलित होती हैं। यानी कि जो शहर का सेंटर पॉइंट है ना, मतलब वहाँ ज़्यादा मजदूरी मिलेगी आपको, ठीक है। जो हो सकता है कि शहर के सेंटर के अंदर अगर कोई बिल्डिंग इंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो तो वहाँ एक मजदूर को मान ले 500 रुपये देते हैं, लेकिन गांव के अंदर इतने नहीं देते, गांव के अंदर 350 या 300 रुपये ही देते हैं, ठीक है। तो मजदूरी दर है वो ग्रामीण एरिया के अंदर कम है, यानी कि जो शहर का बाहरी इलाका है वहाँ कम मिलती है, ठीक है। और अकुशल श्रमिक होते हैं, इतने ज़्यादा कुशल श्रमिक नहीं होते, ये इनका मानना है इनके सिद्धांत का। और यही कारण है कि जनसंख्या का प्रवास मानता परिधि से केंद्र की ओर होता है। आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग जो है हॉस्टल लेते हैं या फिर कोई अपना कमरा लेता है कोई, मतलब ठीक है, कोई जैसे स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि शहर के बीच में ही रह जाए, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी कि जैसे रोहतक का मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, तो अगर एमडी यूनिवर्सिटी तो बाहर की तरफ है, शहर के अंदर बीच में कोई और स्कूल या कॉलेज है या कोई किसी कंपनी या दुकान में काम करता है तो वो कोशिश करेगा कि वो मतलब अपने आस पास ही रहे, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं उसे जाना पड़े, ठीक है। तो इसलिए जो भीड़ भाड़ का पॉइंट है वो शहर के बीच में ही ज़्यादा होता है। इस प्रकार केंद्र पर प्रभुत्वशाली होता है जबकि परिधि उस पर निर्भर होती है, यानी कि जो सेंटर पॉइंट पर निर्भर होती है बाहर का इलाका। ये आपको पता ही, जैसे कि बाहर की तरफ रहते हैं, रोहतक का मैंने एग्जाम्पल दिया, बाहर की तरफ रहते हैं तो बाहर से वो क्या करेंगे, मतलब कोई सामान खरीद के लेना है तो बार बार शहर के बीच में उन्हें जाना पड़ेगा, ठीक है। और यह निर्भरता केंद्र और परिधि के बीच विनिमय संबंधों के द्वारा निर्मित होती है, यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान वो करते हैं। तो आगे देखते हैं, केंद्र पर आर्थिक शक्ति, प्रौद्योगिकी, प्रगति, उत्पादकता क्रियाओं के रूप में उद्योगों का विनिमय का संकेंद्रण पाया जाता है। उत्पादकता नवाचारों का केंद्र से परिधि की ओर निर्गमन, केंद्र से परिधि की वस्तुओं तथा सेवाओं के रूप में अतिरिक्त मूल्य के प्रभाव के बनाए रखने में सहायक होता है। यानी कि वही बात बार बार रिपीट हो रही है कि शहर के बीच में ही सारी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जितनी भी एक्टिविटी हैं। आपने कभी देखा होगा कि मतलब जो मार्केट लगती है या सेल वगैरह लगती है वो बाहर की तरफ, या सब्जी रेडी वाले हैं वो शहर के बाहर की तरफ बेच रहे हो, कभी ऐसा कभी नहीं होता, शहर के बीच में ही, क्योंकि उन्हें पता है कि बस स्टैंड के बाहर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के बाहर आपको ज़्यादा दुकानें वगैरह मिलेंगी, ठीक है, रेडी फेरी वालों की, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और इस केंद्र में उत्पादकता की वृद्धि कुशल सर प्रभावी श्रम के स्थानांतरण के साथ साथ उच्चतर मजदूरी को उत्पन्न करती है। इस प्रकार परिधि क्षेत्र में गैर संगठित श्रम को विशाल आपूर्ति के कारण निम्न मजदूरी की स्थिति बनी रहती है। तो यानी कि जो शहर का बाहरी इलाका, ये देखिएगा, ये इनका सिद्धांत इन्होंने ये दे रखा है। तो आपका जो कोर होता है, मैंने एग्जांपल्स लिया था रोहतक का, ठीक है, अर्बन्स यानी कि, ठीक है, तो कोर इनकी शहर का बीच का, जो शहर के बीच का जो एरिया होता है उसे कोर कहा इन्होंने, और बाहर का एरिया परिफेरी, ठीक है, उसे परिफेरी यानी कि परिधि, ठीक है। तो बाहर का जो एरिया है रूरल यानी कि ग्रामीण एरिया से रिलेटेड है, तो वहाँ क्या होता है, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर,
लिटिल पावर, ब्रेन ड्रेन, ठीक है, लो वेजेस यानी कि वहाँ के खनन होता है, वहाँ वन वगैरह ज़्यादा होते हैं, कृषि वहाँ करते हैं, लिटिल पावर, ठीक है, कम क्षमता, कम शक्ति, ठीक है, छोटी शक्ति, और ब्रेन ड्रेन, ठीक है, और जो लो वेजेस यानी कि कम मजदूरी मिलती है, ये चीज़ें सारी क्या होती है, शहर की प्रीति की तरफ, हमने देखा था वो रोहतक का एग्जाम्पल में। अर्बन इंडस्ट्रियलाइज गवर्नमेंट और सोशल जितनी भी एक्टिविटीज़ और फाइनेंशियल पावर, एजुकेशन सिस्टम, आप देखा होगा स्कूल कॉलेज सारे सेंटर के बीच में ही होते हैं, ये हमने रोहतक के एग्जांपल से बेस्ट समझ लिया है, ठीक है। कोई भी शहर का एग्जांपल आप उठा लें, लगभग हर एक शहर में यही कंडीशन मिलेगी, दुनिया भर का शहर देख लीजिएगा, सेंटर में ही सारी एक्टिविटीज़ मिलेंगी, पार्क की तरफ क्या है वो ग्रामीण से मिलता जुलता है, ठीक है, आगे देखिएगा। और एक ये भी है कि जो शहर के बीच में होंगे उन घरों का आकार थोड़ा छोटा होगा, भीड़ भाड़ होगी तो मतलब छोटे छोटे मकान होंगे, लेकिन बाहर की तरफ है लोग बड़े बड़े खुले खुले मकान बनाते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा क्या कहते हैं, यदि मजदूरों के स्तरों को केंद्र और वृद्धि के मध्य विनिमय किए जाने वाले उत्पादों के सापेक्षिक मूल्यों के रूप में दिखाया जाता है, तो केंद्र में उच्चतर मजदूरी या तो वृद्धि में भुगतान संतुलन की समस्या उत्पन्न करेगी या आयतों की बढ़ी हुई लागत के वित्तीय संतुलन हेतु वृद्धि से निर्यात बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी। इन दोनों ही मामलों के में वृद्धि के स्वतंत्र विकास में कठिनाई होती है अथवा यह समाप्त हो जाती है। इस प्रकार के असमान संबंधों को वृद्धि के खर्च पर केंद्र के पक्ष में आर्थिक तथा आर्थिक वाणिज्यिक नीतियों को कार्यान्वित करते हुए कायम रखा जा सकता है। इसको वृद्धि से केंद्र की ओर प्रवास तथा पूंजी प्रवाह द्वारा सुदृढ़ किया जा सकता है। फ्रीडमैन ने 1966 में वेनेजुएला, ये वही बात करा मैंने आपको रोहतक का एग्जांपल सिर्फ समझाने के लिए दिया था, ठीक है, असली जो उन्होंने सिद्धांत दिया था वो वेनेजुएला जो देश पड़ता दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर, वहाँ पारदेशी विकास नीति को विश्लेषण करते हुए नगर तंत्र विकास की केंद्र वृद्धि अवधारणा की व्याख्या की। परंपरागत केंद्र वृद्धि विकास मॉडल के द्वारा प्रादेशिक नगर तंत्र को चार प्रमुख अवस्थाओं में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। ये अवस्थाएं प्राय प्रादेशिक परिवहन तंत्र की अनुगामी होती हैं, जिनका विकास परिवहन तंत्र के विकास के साथ साथ होता है। आरंभिक अवस्था में केंद्र और वृद्धि के मध्य क्षेत्रीय असमानता अधिक पाई जाती है, ठीक है, और जो अंत में समाप्त होती जाती है, हम इस चित्र के थ्रू समझेंगे। यानी कि शुरू में क्या होती है, आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा होती है, धीरे धीरे खत्म होती जाती है, कार्यात्मक रूप से एकीकृत नगर तंत्र का प्रादुर्भाव होता है। नगर तंत्र विकास की चार अवस्थाएं होती है, यानी कि नगर तंत्र का जो विकास होता है, कोई भी नगर है उसका डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि आप अपने आसपास का कोई भी शहर देख लीजिएगा और अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से पूछिएगा कि आप पहले ये शहर क्या इतना डेवलप था, मतलब इतने परिवहन के साधन थे, इतनी दुकानें थी, इतनी भीड़ भाड़ थी, तो वो आपको बताएंगे कि नहीं, ये इतना बड़ा नगर नहीं था, लेकिन अब 30-40 सालों में ये बहुत बड़ा नगर बन गया है, ठीक है। कोई भी आप शहर आपके आसपास का देख सकते हैं, वो इसी प्रकार, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री लग गई, ठीक है, वहाँ व्यापार ज़्यादा होने लगा, वहाँ शॉप, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, ठीक है, रेल, मतलब अगर बस स्टैंड वगैरह, मतलब धीरे धीरे क्या है, जो एक्टिविटीज़ हैं वो इंक्रीज हो गई, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर और आपके जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो मतलब बढ़ गए हैं, सरकारी सेवाएं, निजी सेवाएं जो ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है। और आगे ये देखते हैं कि स्टेज फर्स्ट के अंदर क्या होता है कि मतलब जो सभी ग्रामीण एरिया होते हैं बराबर होते हैं सभी, ठीक है, सभी जो एरिया हैं आसपास के वो बिल्कुल इक्वल होते हैं, ठीक है, मतलब ज़्यादा कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता कि एक शहर के अंदर ज़्यादा इंडस्ट्री लगी हुई है, ज़्यादा शिक्षा एजुकेशन व्यवस्था बढ़िया है, ठीक है, कुछ नहीं होता, सभी एक समान है, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं, मतलब बिल्कुल इक्वल है, ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर देखिएगा, ये बता रखा है कि प्रथम जो स्टेज होती है उसे क्या कहते हैं, वो होती है आपकी पूर्व औद्योगिक अवस्था, यानी कि प्री इंडस्ट्रियल स्टेज, यानी कि औद्योगिक विकास से पहले की जो पोजीशन होती है, कृषि प्रधान ग्रामीण समाज की प्रधानता पाई जाती है और जिसमें स्थानीयकृत अर्थव्यवस्था और लघु स्तरीय आदिवास संरचना पाई जाती है। ग्रामीण आदिवासियों की प्रमुखता के साथ ही प्रकीर्ण आदिवासियों की बहुलता होती है, पाई जाती है। ये देखिएगा फर्स्ट स्टेज है यहाँ क्या है, यानी कि ग्रामीण, यानी कि गांव के अंदर जो एक्टिविटी होती है, यानी कि गांव की बिल्कुल, गांव के अंदर क्या होता है, लोग खेती करते हैं, पशुओं को चरा कर लाते हैं, बड़देड़ी से चारा लाते हैं, ठीक है, मतलब जो
प्राथमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा करती हैं, तो कोई मतलब शहरी एक्टिविटी ज़्यादा परिवहन के साधन नहीं होते उनके पास, ठीक है। ये चीज़ें दिखाई जाती हैं, ये चीज़ें शहर के अंदर मतलब गाँव गाँव के अंदर पाई जाती हैं। और जैसे जैसे इंडस्ट्री लगती जाती है तो वो शहर मतलब कैसे बदल जाता है, उसका पूरा ही नज़रिया ही बदल जाता है। तो ये है फर्स्ट स्टेज है, वो प्रू औद्योगिक प्री इंडस्ट्रियल स्टेज है। फर्स्ट स्टेज जो आपको चित्र में दिख रही है, ये डायग्राम आपको जरूर बनाने हैं, ठीक है। ये डायग्राम आपको समझ के साथ, और ये चारों चारों डायग्राम बनाएंगे क्योंकि ये थ्योरम का मेन मतलब जो कहते हैं ना गिरी मेन पॉइंट मेन, ठीक है, यही है क्योंकि इसी पर बेस्ड है सारा सिद्धांत। तो ये डायग्राम आपको जरूर बनाने हैं, जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बनाने हैं, क्योंकि सिद्धांत जिसका दिया होता है, ठीक है, लेकिन समझ जाएंगे, समझ के बाद आप लिखेंगे और सिद्धांत ये चित्र बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। सेकंड स्टेज देखिएगा, सेकंड स्टेज क्या होती है कि इसके अंदर इसे संक्रमण यानी कि ट्रांसिशनल स्टेज कहते हैं। विकास की इस अवस्था में अर्थव्यवस्था का संकेंद्रण केंद्रीय नगर में होता है, ठीक है। और क्योंकि इस केंद्र पर पूंजी का संचय और निवेश तथा औद्योगिक विकास का आरंभ होता है। नगरीय केंद्र पर पूंजी था औद्योगिक के संकेंद्रीकरण के विशिष्टीकरण के समय में निश्चित रूप में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह बहुत स्पष्ट नहीं होता, विभिन्न स्थानिक परिस्थितियों में भिन्न भिन्न हो सकता है। किसी प्रदेश में सुगम्य स्थिति नगर केंद्र के रूप में विकसित हो सकती है, यानी कि जो सेकंड स्टेज जो आपकी है उसके अंदर क्या होता है कि धीरे धीरे, यहाँ पहले स्टेज में कुछ नहीं था, धीरे धीरे क्या हो गया कोर यानी कि एक जो सेंटर का एरिया है वो डेवलप होने लगा, यहाँ इंडस्ट्री धीरे धीरे लगने लगी, ठीक है। तो यहाँ से जो कच्चा मटेरियल है वो आने लगा, ठीक है। जैसे कि शहर के अंदर आप देखते हैं कि लोग जो गाँव के अंदर मतलब शहर जो शहर होता है मेन शहर जैसे रोहतक है, रोहतक के आसपास के जो गाँव हैं वो क्या करेंगे लोग मतलब जो सब्जियाँ वगैरह हैं दूध वगैरह वो सुबह सुबह क्या शहर के अंदर पहुँचा देंगे, ठीक है। तो शहर के अंदर पहुँचा देंगे तो यहाँ और कच्चा मटेरियल और जैसे कि शुगर मिल लगा हुआ है, ठीक है, शुगर मिल में गन्ना आ जाएगा, ठीक है, और भी बहुत सारा कच्चा मटेरियल शहर के अंदर आने लगता है और धीरे धीरे इंडस्ट्रियल यानी कि उद्योगों का विकास होने लगता है, इंडस्ट्री यहाँ लगने लग जाती है धीरे धीरे, यहाँ बड़ी बड़ी मार्केट शॉपिंग मॉल खुल जाते हैं, ठीक है, तो लोगों का जमावड़ा हो जाता है, ठीक है, बाहर से लोग ज़्यादा आने लगते हैं। रेलवे अगर किसी छोटे मोटे शहर के से रेल लाइन गुजर रही है तो वहाँ से दूर दूर से लोग आ सकते हैं आसानी से। जैसे हरियाणा के अंदर जो बिहार के लोग हैं वो जैसे कि खेती जैसे कि आपको फसल कटाई टाइम होती है तो वो आ जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो शहर है वो डेवलप होने लग जाता है, यानी कि ग्रामीण एरिया से धीरे धीरे वो डेवलप होने लग जाता है सेंटर के रूप में, ठीक है, सेंटर का उसका विकास होने लग जाता है, ये इसके अंदर बताया गया है, ठीक है। और संक्रमण अवस्था में नगरीय केंद्र छोटी छोटी औद्योगिक इकाइयाँ यानी कि ज़्यादा बड़ी भी नहीं इंडस्ट्री नहीं, छोटी मोटी जैसे जुगाड़मेंट हो उसके लोग इंडस्ट्री लगा लेते हैं, कोई चावल निकालने की इंडस्ट्री है, ठीक है, कोई बिस्किट बनाने की इंडस्ट्री है, कोई छोटी मोटी कपड़ा उद्योग है, मतलब वो धीरे धीरे छोटे छोटे ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री नहीं लग पाती है। और व्यापार तथा जनसंख्या वस्तुओं सेवाओं की गतिशीलता में प्रथम अवस्था की तुलना में वृद्धि होती है किंतु यह परिदृश्य प्रतिरूप के अंदर द्वारा नियंत्रित होता है, फिर भी कुल मिलाकर गतिशीलतम निम्न ही रहती है यानी कि ज़्यादा गतिशीलता नहीं होती। संक्रमण अवस्था के अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें उत्तर 18वीं शताब्दी में ग्रेट ब्रिटेन का आरंभिक औद्योगिकरण की दशा सर्वाधिक उत्कृष्ट उदाहरण मिला है माना जाता है। तो जो 18वीं शताब्दी के अंदर जो ब्रिटेन की पोजीशन थी, क्योंकि धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति आई थी उस टाइम, ठीक है, तो इतनी ज़्यादा एकदम मतलब कोई भी चीज़ है वो धीरे धीरे होती है, ऐसे नहीं है कि एकदम बड़े बड़े उद्योग लग गए धीरे धीरे। पहले लोग घरों के अंदर चीज़ें बनाते थे, उसके बाद में कुटीर उद्योग आए, थोड़ा मतलब 10-15 लोग एक जगह मिलकर मतलब चीज़ें बना ले लगे, जैसे कि दरी बनाना, चटाई बनाना, मेज़ बनाना, ठीक है, चूड़ियाँ बनाना, ठीक है, गलीचे बनाना, ये इंडस्ट्री छोटी मोटी लगने लग जाती है, ठीक है, ज़्यादा नहीं बड़ी हो पाती। तो आगे देखते हैं तीसरी पोजीशन कौन सी होती है, तो तीसरी पोजीशन का आप डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, तो जो शहर होता है उस मेन सेंटर में तो हुई, साथ का जो लगता एरिया है वो भी क्या है धीरे धीरे वहाँ इंडस्ट्रियल यानी कि इंडस्ट्री लगना शुरू हो जाती है, ठीक है। शहर में जैसे कि रोहतक के साथ मैम आपका शहर है, रोहतक के लगता मैम है, उसी प्रकार कुरुक्षेत्र के साथ लगता आपका वो पेहोवा पता नहीं पोहा क्या कहते हैं उसे, नाम ध्यान नहीं रहा, वो शहर है। तो ऐसे ऐसे क्या है जो साथ का कोई छोटा मोटा शहर वो भी डेवलप होने लग जाता है धीरे धीरे, वहाँ भी इंडस्ट्री लगने लग जाती है। दिल्ली के आसपास का एरिया है, दिल्ली के आसपास का एरिया जैसे कि भादरगढ़ की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इंडस्ट्री छोटी मोटी इंडस्ट्री लगने लग रही है ना, लेकिन मेन सेंटर दिल्ली ही है, ठीक है,
तो इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट सार्क साथ का जो लगता है एरिया उसका भी होने लग जाता है, लेकिन मैन सेंटर यानी कि सेंटर पॉइंट में ज़्यादा होता है। ठीक है, ये पोजीशन होती है तीसरी पोजीशन। तीसरी पोजीशन में क्या कहता है देखिएगा, ये कहता है औद्योगिक अवस्था, विकास की इस अवस्था में आर्थिक विकास की प्रक्रिया प्रसरण के माध्यम से अनेक अन्य विकास केंद्रों का भी उदय होता है। केंद्रीय क्षेत्र मुख्यतः श्रम भूमि की लागत में वृद्धि होती है जिसके कारण उद्योगों का विकेंद्रीकरण प्रारंभ होता है तथा इस प्रकार के प्रसरण और विसरण के लिए नगर तंत्र के तत्वों के मध्य अंतःक्रिया में वृद्धि और परिवहन अवसंरचना की सुविधाओं में वृद्धि उत्तरदायी बताई जा सकती है। यानी कि धीरे धीरे क्या हो जाता है, इंडस्ट्रियल एरिया यानी कि परिवहन के साधन भी विकास हो जाता है। ठीक है, ठीक है, जिसके कारण क्या है इंडस्ट्रियल जो यानी कि जो इंडस्ट्री का जो विकास है वो बहुत ज़्यादा होने लग जाता है पहले के मुकाबले। ठीक है, धीरे धीरे। और जो फोर्थ स्टेज है वो उसके अंदर पूरा मतलब पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेज, इसके अंदर मतलब ज़बरदस्त इंडस्ट्री लग जाती है, जो खचाखच इंडस्ट्री एरिया भर जाता है। जैसे कि आपका गुड़गांव का एग्जांपल है, गुड़गांव के अंदर देखेंगे फुल इंडस्ट्री लगी हुई है हर एक चीज़ की, लोहा की, पत्रा, प्लास्टिक, कुछ भी हो, चाहे चाहे खाद्य पदार्थ है, चाहे सीमेंट इंडस्ट्री है, कार इंडस्ट्री तो वहाँ की महत्वपूर्ण है, महिंद्रा जो भी है, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्री लगने लग जाती है स्टेज के अंदर। ठीक है, पूरा पूरा मतलब जमावड़ा हो जाता है इन उद्योगों का। ठीक है, विकास की अंतिम अवस्था है जिसमें नगरीय पूर्ण एकीकृत हो जाता है और इसमें क्षेत्रीय असमानता भी उल्लेखनीय रूप से कमी की जा कम हो जाती है। यानी कि क्षेत्रीय असमानता नहीं रहती, लगभग सभी के अंदर डेवलपमेंट हो जाता है। जैसे कि चित्र के अंदर देख सकते हैं आप, ये देखिएगा, इसके अंदर क्षेत्रीय असमानता नहीं रहती। ठीक है, हालांकि सेंटर में थोड़ा सा ज़्यादा दबाव रहता है, लेकिन धीरे धीरे क्या है सभी जगह। ये डायग्राम आपको ऐसे ही बनाना है, जैसे कि देखिएगा ये दिखा रखा है इसने, सेंटर का पॉइंट है ये, इससे रिलेटेड है। पहले आप कितने वृत्त लगाओगे, आप 5 वृत्त लगाओगे पहले छोटे छोटे, उसके बाद में ये जो बीच का है वो थोड़ा बड़ा रखना है। ठीक है, ये थोड़ा इसे छोटा, ये छोटा, ये थोड़ा सा इसे बड़ा, ऐसे आकार जैसे इन्होंने दे रखा है, सिद्धांत दिया तो वैसे ही करना पड़ेगा। और इनको जोड़ देना है, पहले तो इनको इनके साथ जोड़ो, ठीक है, बड़े वाले के साथ जोड़ो, इसको बड़े वाले के साथ जोड़ो, फिर इसको बड़े वाले के साथ जोड़ो, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। एक मिनट दोबारा से देखिएगा, पहले क्या करेगा, बड़े वाले को जोड़ना है इनके साथ, फिर इन इस बड़े वाले को इसके साथ जोड़ो, फिर इसको जोड़ो इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, ठीक है, फिर इसको इसके साथ, और इसको आपस में सभी को इंटरलेटेड कर दो। ठीक है, तो ये दिखाता है कि धीरे धीरे किस प्रकार से जो आसपास के एरिया और भी हैं वहाँ पर भी क्या है औद्योगिक विकास हो जाता है। ठीक है, और कोई असमानता नहीं रहती, हर जगह इंडस्ट्री लग जाती है। ठीक है, तो ये देखिए अगर इस प्रकार और बृहत व्यापारिक नगर के विकास के लिए परिस्थिति अनुकूल बन जाती है। यह नगरीय विकास की प्रौढ़ अवस्था का प्रतीक होती है जिसमें नगर अपने पृष्ठ प्रदेश के साथ पूर्ण रूप में विद्यमान होता है। औद्योगिक पश्चात्य देशों के बृहत नगरीय तंत्र इसका अवस्था का उत्कृष्ट उदाहरण है। यानी कि जितना आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, जमशेदपुर है भारत के अंदर, जमशेदपुर है, दुर्गापुर है, ठीक है, आपका गुड़गांव है, जो आपका महाराष्ट्र का औद्योगिक एरिया है जैसे कि मुंबई है, और आपका सूरत है गुजरात के अंदर, ठीक है, बेंगलुरु है, लखनऊ है, ठीक है, मेरठ है, तो ये जो शहर हैं वो आज पूरी तरह से इंडस्ट्रियल रूप से डेवलपमेंट हो चुके हैं। ऐसे ही बहुत सारे रूरल क्षेत्र है जो आपका रूस का, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए, लेकिन इसके अंदर उनका जिक्र तो नहीं करना, लेकिन समझने के लिए। तो ये उत्तर दोगे यानी कि यहाँ पूरा डेवलपमेंट हो चुका है। तो ये मेनली सिद्धांत कंक्लूजन यानी कि आपका मेन निष्कर्ष ये निकल के आता है कि इनका जो सिद्धांत है वो ये बताता है कि कैसे जो इंडस्ट्री का विकास है किसी एरिया में धीरे धीरे होता जाता है और वो अलग अलग स्टेज पे होता है। जैसे कि आपकी आयु कैसे बढ़ी, ऐसे थोड़ी कि आप सीधे ही मतलब 5 साल से 50 साल की होगी, धीरे धीरे पहले आप 5 साल के हुए, फिर आपके 6-7 साल, फिर आप 10 साल की एज में आई। जैसे कि मनुष्य की एज बांट रखी है यानी कि 18 साल तक का बालक, उसके बाद में युवा, ठीक है, उसके बाद में वो वृद्ध, अलग अलग स्टेज होती हैं। ठीक है, जैसे युवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उसी प्रकार जो इंडस्ट्री की भी डेवलपमेंट की स्टेज होती है। ठीक है, अलग अलग स्टेज से, पहली स्टेज बिल्कुल कम, फिर धीरे धीरे धीरे। ठीक है, तो वही इन्होंने बताया है कि इंडस्ट्रियल एरिया का विकास यानी कि इंडस्ट्री का विकास किसी एरिया में कैसे होता है। ठीक है, इंडस्ट्री का विकास हो जाएगा तो सीधी सी बात है यानी कि किसी देश का डेवलपमेंट ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। ठीक है,
तो इनका आलोचना जो की गई है, आलोचना को देख लेते हैं हम। आलोचना इनकी क्या कमियां, इनके सिद्धांत में क्या क्या इन्होंने जो कहा है वो सही है, कितना सही है। तो केंद्र परिधि मॉडल पारदेशिक समानता के विपरीत अंतर पारदेशिक भिन्नता संघर्ष से संबंधित है। यानी कि केंद्र परिधि मॉडल पारदेशिक समानता के विपरीत, यानी कि रीजन की तो बात ही नहीं की जा रही, इसके विपरीत किस पर जा रहा है, अंतर पारदेशिक भिन्नता। यानी कि अंतर, यानी कि दो एरिया के अंदर अंतर को दर्शा रहा है, यानी कि प्रदेश की तो बात ही नहीं कर रहा, ठीक है, अंतर को दर्शा रहा है। और संघर्ष से संबंधित है जिसके कारण यह आर्थिक विकास के असमान प्रकृति पर बल देता है। यानी कि आपने देखा कि सेंटर का विकास हो गया लेकिन जो पेरिफेरी उसका तो डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो वो आर्थिक विकास कैसे होगा, आर्थिक विकास में असमानता होगी, सीधी सी बात है। सेंटर का तो डेवलपमेंट हो गया लेकिन ग्रामीण एरिया का तो डेवलपमेंट नहीं हो, बाहर का जो परिधि का एरिया उसका डेवलपमेंट नहीं हो, तो आर्थिक असमानता होगी। तो इसलिए सिद्धांत इतना आपका मतलब ज़्यादा मान्य नहीं है, सिद्धांत में कमियां हैं। दूसरी कमी क्या है, केंद्र परिधि मॉडल में अनेक कमियां पाई जाती है जिनमें प्रमुख है आर्थिक विकास की नगरीय विकास पर आधारित होना और परिधि क्षेत्र का नियंत्रण पिछड़ा रहना, नगरों में सामाजिक शक्ति का संकेंद्रण, ग्रामीण रोजगार एवं निर्धनता में वृद्धि आती है। ये देख कहता है कि सेंटर में सारी चीज़ करती है आपने, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, जितनी सुख सुविधाएँ हैं सारी सेंटर के अंदर ही है, गाँव के जो बाहर के एरिया है उसके अंदर तो कुछ नहीं है अभी, वो तो वहाँ तो बेरोजगारी है, ठीक है, निर्धनता है, गरीब लोग है बाहर, तो शहर के बीच में बड़े बड़े सेठ लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, अच्छी अच्छी महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं उनके पास, ठीक है, बाहर के जो लोग हैं बेचारे क्या है बल्द रेडी पे घूम रहे हैं, ठीक है। तो मतलब पिछड़ा अपन दिखाया इस सिद्धांत के द्वारा। आगे कहते हैं कि केंद्र पर आर्थिक सामाजिक शक्ति प्रौद्योगिकीय प्रगति उच्च उत्पादकता का संकेंद्रण पराश्रित वृद्धि के विकास बाधक हानिकारक होता है, जो फ्रीडमैन सिद्धांत प्रश्न है। यानी कि ये कहता है कि सेंटर का यानी कि डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया लेकिन यानी कि सेंटर का अगर डेवलपमेंट होगा तो सीधी सी बात है कि परिधि के विकास में बाधक तो होगा ही, यानी कि सारी इंडस्ट्री शहर के बीच में होगी, सारी सुख सुविधा शहर के बीच में होगी, तो बाहर का जो एरिया उसका तो कभी विकास होगा ही नहीं। जैसे कि जितनी भी दुकान है अगर कोई बाहर की तरफ नहीं खोलेगा तो बाहर के एरियो के लोगों को ऐसी सुविधा, बार बार उनके शहर के बीच में जाके चीज़ें खरीद के लेनी पड़ेगी, ठीक है, कोई दुकान वहाँ नहीं होगी बाहर की तरफ, ठीक है, कुछ किसी को जैसे कि सपोज करो किसी को चोट लग गई तो छोटा मोटा कोई अस्पताल नहीं है दवाई लेने के लिए, ठीक है, तो वो सेंटर शहर के बीच में जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। आगे है विकास केंद्र परिधि मॉडल के अनुसार केंद्र द्वारा परिधि का शोषण किया जाता है जिससे परिधि का विकास अवरुद्ध हो जाता है और यह अत्यंत मंद गति से होता है। यानी कि आपने देखा कि सेंटर का डेवलपमेंट करने के लिए बाहर से चीज़ें हड़प लो, जितना भी कच्चा मटेरियल है जो भी है हड़प लो, तो सीधी सी बात है, और सस्ते सस्ते मतलब रोजगार लोगों को पकड़ पकड़ के लाओ, ठीक है, और मतलब इतनी ज़्यादा मजदूरी नहीं दो उनको, और उनसे ज़्यादा काम करवाओ, उनको ज़्यादा पैसे मत दो, उनसे ज़्यादा काम करवाया जाता है। तो ये चीज़ें हैं। यह मॉडल असमान पक्षपात पूर्ण क्षेत्रीय विकास पर बल देता है जिससे क्षेत्रीय संतुलन को बढ़ावा मिलता है। असमान यानी कि क्षेत्र पक्षपात करता है, ये पक्षपात पूर्ण क्षेत्रीय विकास पर है, यानी कि सेंटर को ही, सेंटर का ही रोल है, बस सेंटर में कर दो दुनिया भर का विकास, बाहर वाले धक्के खाओ, बाहर वाले को कुछ लेना देना नहीं है, क्षेत्रीय असंतुलन तो ऐसे में ऐसे ही कर रही है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि शहर का चाहे सेंटर का हो चाहे बाहर का इलाका हो, पूरा रूप से डेवलपमेंट होनी चाहिए, सभी को सुख सुविधाएं बराबर बराबर मिलनी चाहिए। तो आशा करता हूँ ये सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, सेंटर और परिधि का ही चक्कर है, सेंटर में डेवलपमेंट ज़्यादा कर दो, बाहर कुछ करो ना, ठीक है। तो ये मेन सिद्धांत है इनका, ठीक है। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताइएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।